1990 के दशक के बाद बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का नाता सामने आने लगा और आज भी कुछ प्रोड्यूसर्स खुफिया तरीके से अंडरवर्ल्ड से मिले हुए हैं। पर इन सब के बीच कलाकारों की जिंदगी बर्बाद होती है, खासकर अभिनेत्रियों का करियर खत्म हो जाता है। उन तमाम लोगों में से एक अभिनेत्री ऐसी भी है जिनके पिता मशहूर फिल्मकार हुआ करते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अनामिका और बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी में आपका स्वागत करती हूं। यादों के सफर में इस सीरीज में हम अभिनेत्री हीना कौसर को याद करने वाले हैं। हीना कौसर, ये नाम ऐसा है जिनके पीछे कई सारी कहानियां छुपी हुई हैं। कुछ कहानियां उनकी मां निगार सुल्ताना से जुड़ी हैं, तो कुछ के आसिफ से जुड़ी हुई हैं, जो उनके पिताजी थे। 90 के जमाने के बीच अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी दोस्त इकबाल मिर्ची से हीना ने शादी की थी। इस सिलसिले में हीना कुछ ज्यादा ही चर्चा में आई। फिर क्या था, दोनों ने देश छोड़ दिया और वापस लौट नहीं पाए। लौटते भी कैसे, मुंबई में आतंक फैलने के बाद अंडरवर्ल्ड के सभी क्रिमिनल्स और छोटे बड़े डॉन मुंबई पुलिस के निशाने में आ चुके थे। इसी वजह से हीना कौसर को फिल्म जगत से हमेशा हमेशा के लिए दूर जाना पड़ा। हीना कौसर का जन्म 1950 के साल में हुआ था। हरे रंग के आंखों वाली उनकी माँ उस जमाने की प्रचलित अभिनेत्री थी। उस वक्त उनके पिताजी के आसिफ मुगले आजम फिल्म बना रहे थे, जिसमें निगार भी काम कर रही थी। आसिफ ने निगार से कब शादी की ये किसी को नहीं पता चला, और जब पता चला तब के आसिफ की पहली पत्नी बहुत खफा हो गई। उन दिनों निगार सुल्ताना मुंबई के ग्रैंड रोड इलाके में रहती थी, वहीं उन्होंने हीना कौसर का पालन पोषण किया। हीना के अलावा निगार को एक और बेटा भी हुआ, जिसका नाम अकबर आसिफ है। उन्होंने भी बतौर विलन कुछ फिल्में की। आगे चलकर हीना कौसर जवान हुई और माँ की तरह अभिनय के रास्ते पर चलने लगी, पर जिस वक्त वो फिल्म जगत से जुड़ी तब पिता का देहांत हो गया। ये घटना उनके करियर के लिए घातक साबित हुई, क्योंकि अगर आसिफ जिंदा रहते तो कोई भी फिल्मकार उनकी बेटी को बतौर लीड एक्ट्रेस मौका दे देता, क्योंकि फिल्म जगत में के आसिफ के लिए लोगों के मन में सम्मान कम, डर ज्यादा था। अगर आसिफ किसी भी फिल्मकार से अपनी बेटी के लिए सिफारिश कर देते तो कोई भी फिल्मकार उन्हें मना नहीं करता। इसीलिए पिता के देहांत के बाद हीना कौसर को बहुत संघर्ष करना पड़ा। हालांकि उन्हें छोटे बड़े किरदार मिल जाते थे, पर कोई भी फिल्मकार उन्हें बतौर लीड एक्ट्रेस मौका नहीं देता था। हीना कौसर को ज्यादातर लोग फिल्म अदालत के लिए जानते होंगे, जिसमें वो अमिताभ बच्चन की बहन के रोल में नजर आई। इस फिल्म का गाना बहना ओ बहना बहुत हिट हुआ था। इसके बाद वो धर्मकांटा, नागिन, निकाहा, कालिया और जेल यात्रा जैसी कई फिल्मों में नजर आई। हीना कौसर का फिल्मी सफर 1970 के साल में शुरू हुआ। उनकी पहली फिल्म होली आई रे थी, तो आखिरी फिल्म घर बाजार साल 1998 में रिलीज हुई। हालांकि उन्हें 1990 के दौरान ही भारत छोड़ना पड़ा। अपने 20 साल के करियर में उन्होंने लगभग 60 फिल्मों में काम किया, पर कहा जाता है कि उन सभी फिल्मों में उनके किरदार छोटे छोटे हुआ करते थे। फिल्म इतिहासकार मानते हैं कि निगार सुल्ताना के कारण ही इकबाल मिर्ची हीना के जीवन में आए। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो बता नहीं सकते, पर क्योंकि ग्रैंड रोड जैसे माफिया इलाके में निगार सुल्ताना अपनी बेटी के साथ रहती थी, तो हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ उनके रिश्ते बने हो। इकबाल मिर्ची से शादी करने के बाद हीना कौसर को फिल्मों के ऑफर आना बंद हो गए, और मुंबई में हुए सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट के कारण वो हमेशा के लिए चर्चा का विषय बन गई। आज के दौर में हीना कहाँ है ये कोई नहीं बता सकता, पर कुछ लोगों का कहना है कि वो यूके में रहती हैं और कोर्ट कचहरी के सिलसिले से मुंबई में कभी कभी आती हैं। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।